टाइम यार तो अभी हम लोग जो शेरवा चौराहे पहुंच चुके हैं और हमें पहुंचना है हरिद्वार और 10:23 समय हो चुके हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं लोकेश कुमार और आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की जो यात्रा है बहुत बढ़िया होने वाली है, हरिद्वार जा रहे हैं हम लोग और रास्ते में जो है कांवर वाले इस समय बहुत है। ये जो मुरादाबाद से कांठ रोड है यानी कि हरिद्वार वाला, इस पर हम इस समय है और जो जगह तक जगह जगह पर जो कांवर वालों के लिए जो भंडारे वगैरह की व्यवस्था है और जो विश्राम गृह बने हुए हैं ताकि वो वहाँ रुक के जो है विश्राम कर सकें, क्योंकि कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है कल और भारी संख्या में जो शिव भक्त हैं, जो महादेव के भक्त हैं, वो कांवर लेकर हरिद्वार से पैदल ही आ रहे हैं। तो कल तो जो है मतलब कांवर वाले जो यात्री हैं या भक्त कहेंगे, यात्री नहीं कहेंगे, ये सब आज ही निकल लेंगे क्योंकि कल तो जो है सब अपने अपने मंदिर जहाँ जिसे जल चढ़ाना वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो कल तो जो नहीं आएंगे, जो नज़दीक वाले होते हैं जो हरिद्वार के नज़दीक के क्षेत्र के हैं, कल उनकी भीड़ रहने वाली है। ये जो आज शाम तक जितने भी भक्तगण हैं सब अपने अपने जो स्थान पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ से कांठ रह गई है 15 किलोमीटर, लेकिन जो हम जो नूरपुर के रोड से निकलेंगे वाय नूरपुर होते हुए कांठ हम नहीं जाने वाले हैं। तो लगभग जो हम यहाँ रास्ते में नूरपुर से ही आगे आ चुके हैं इस समय और कांवर वाले जो पैदल यात्री हैं भोले के भक्त हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं। अभी हम जो यहाँ से निकले हैं तो कुछ इस तरह का है रोड पक्का है यहाँ पे और बाइक अपनी खड़ी है उधर पीछे सामने, थोड़ा रेस्ट की वजह से रुक गए थे। तो नूरपुर से हम लोग जो आगे निकल चुके हैं और रोड जो काफ़ी बिजी है, लगभग 11:36 हो चुके हैं इस समय और जो है रोड पर भीड़ होने की वजह से मात्र 56 किलोमीटर चल पाए अभी तक। और वैसे ही ज़्यादा तेज़ चलना सही नहीं है, लेकिन थोड़ा स्लो ही चलना पड़ा, कुछ ना कुछ बार बार आगे से आ जाता। और रोड के बराबर जितने भी वृक्ष हैं ये सारे पेड़ जो पीपल पिलखन पिलखन है सभी गांव में जो है, गांव है कोई तो सभी जो नए पत्ते इनमें आने शुरू हो गए हैं, हमारे यहाँ पिलखन बोलते हैं इसे। तो भाई साहब अभी केस होते होते बचा बिल्कुल, जो लेडीज थी उन्होंने जो सर पे बोझ रखा हुआ था और उन्होंने रोड पे जो भाग लगा दी।
और यहाँ पर जो कुछ भक्तगण हैं वो मस्ती में झूम रहे हैं। तो अभी जो ये हाईवे जो बनना हरिद्वार हाईवे, इसकी स्थिति कुछ ऐसी है, आधा तो एक साइड का बन चुका और ये सीमेंटेड बन रही है रोड, जो हमारी डावर वाली रोड होती है वो नहीं है, सीमेंट वाली बन रही है। और इस पर जो काम भी तेज़ी के साथ चल रहा, और ये जो ट्रैफिक है एक ही साइड में है, उधर की साइड में काम चल रहा, तो जो टाइम तो भाई साहब ये टायर फट गया गन्ने के ट्रक का, भी पीछे गया, बड़ी मुश्किल से निकले यहाँ से, ये कुछ उसके टुकड़े भी पड़े हैं। बेरी बेरी हैं, तमाम बेरी खड़ी हुई है ये इधर की साइड में रोड के एक तरफ को, और यहाँ से जो डाइवर्ट कर रहे हैं पता नहीं किधर भेज रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस, तो 4 बजे तक जो ऋषिपुर केस पहुँचने का प्लानिंग थी लोगों की, और अभी जो 2:30 तो बज चुके हैं, अभी हम जो हरिद्वार भी नहीं पहुंच पाए, हरिद्वार से भी पीछे ही, अभी पता नहीं ये कौन से नए रास्ते को डाइवर्ट हो रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता, कैसे पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, हो सकता है ये आगे जाए कि जो उसी रोड में मिल जाए। ये है शानदार व्यू एकदम सामने का, ये जो ग्राउंड है ये सारा ये कुंभ में, कुंभ के लिए ही तो छोटा हुआ है ये मैदान, इसमें सब में कुंभ की वो होती है, अब की बार तो पता नहीं है ही। उधर है लगी हुई टेंट वगैरह, रोड वगैरह तो बन गई है सभी, ये टेंट वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं सब।
ये जो गंगा जी का पुल है इस पे हमें आना था, लेकिन जो पुलिस के द्वारा डाइवर्ट कर दिया गया नीचे के लिए। अभी पता नहीं ये किधर पहुँचेगा। तो पीछे जो है माता चंडी देवी का दरबार है, वो लगभग 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की ऐसी कुछ चढ़ाई, कठिन चढ़ाई, चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता। और ये जो ब्रिज है, ब्रिज पर हम लोग इस समय खड़े हुए हैं, नीचे बहुत गहरा ही है। और इस समय चूँकि कुंभ का टाइम है तो यहाँ पर भीड़ बहुत है। हमें तो ऋषिकेश जाना है, तो हम यहाँ से जो टाइम भी ज़्यादा हो गया, लगभग जो 3 बज चुके हैं, तो जाकर समय से पहुँचना हमें। पुल है ये, पुल पर खड़े हैं इस समय। और इधर जो है टोटल पहाड़ी इलाका है, बहुत शानदार व्यू है इधर का। तो अभी हम जो आगे चलेंगे, बाइक वगैरह अपनी जो है यहाँ पर खड़ी हुई है, चारों तरफ का व्यू आपने देख लिया।